नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजपूतों के हित के लिए, राजपूतों के अधिकार के लिए हमेशा से खड़ी रहने वाली करणी सेना, यानी बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह के हत्या मामले में अब आवाज़ बिहार से भी उठने लगी है। दरअसल बीते दिनों खबर आती है कि अपने जो है आवास पर सोफे पर बैठे हुए थे सुखदेव सिंह, अचानक से अपराधी जो है पहुँच जाते हैं उनके घर के भीतर और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज जाता है और सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके बाद से जो है देश भर की राजनीति गरमाई हुई है और अब इस पर बिहार में भी आवाज़ उठने लगी है। आवाज़ उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि जमुई से सांसद चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है और ट्वीट कर क्या कुछ मांग किया है वो आपको बताते हैं। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो जो है चिराग पासवान की है, जिसमें चिराग पासवान लिखते हैं, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं और मेरी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है कि मामले की गहन जाँच हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। ये हत्या नहीं बल्कि जो लोग सनातन समाप्त करने की बात कर रहे हैं उनके द्वारा एक सोची समझी साजिश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसे में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। देश में हिंसा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती है। दरअसल पूरी घटना की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगा मोड़ी से मिलने के बहाने उनसे बातचीत की। तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद दोनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उनकी हत्या के बाद जयपुर में हड़कंप मच गया है। सुखदेव सिंह के आवास पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक उन्हें 4 गोलियां मारी गई है। दरअसल हत्या की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा जारी की गई फुटेज के अनुसार दो हत्याएं सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी और कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। अचानक दो हमलावरों ने गोलियों से फायरिंग शुरू कर दी। सोफे पर बैठे सुखदेव सिंह को बचने का मौका भी नहीं मिला और तकरीबन 4 गोलियां उनके शरीर पर दाग दी गई। वीडियो में ये दिखाया गया कि उनके सुरक्षाकर्मी को भी गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। तो देखिए पूरी घटना जो है वो राजस्थान के जयपुर की है, जहां राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को उनके ही घर पर दो अपराधी उनसे मिलने आते हैं। मिलने के बहाने उनसे बैठकर 10 मिनट तक बात करते हैं, उसके बाद धनाधन गोली चलाने लगते हैं और ताबड़तोड़ इस फायरिंग में 4 गोलियां सुखदेव सिंह को लग जाती है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अपराधियों ने जो है उनके आवास पर ही उनकी हत्या कर दी है। अब इस पर चिराग पासवान ने भी जो है ट्वीट किया, उन्होंने इस मामले में जाँच की मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संवेदना जताई है सुखदेव सिंह के परिवार वालों के लिए और कहा है कि इस मामले में तुरंत जांच हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या कुछ चिराग पासवान ने ट्वीट किया वो हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।